वेलकम फ्रेंड्स। तो हम अपना आपको पता है कि हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की सीरीज ऑफ लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉपर्टी असेसमेंट पार्ट को कवर कर चुके हैं हम अपना, और फाइनेंशियल असेसमेंट्स के ऊपर हम सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ। तो अब इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, इस वीडियो का प्राइमरी मोटिव जो है डिस्कस करने का मेरा, इस वीडियो में मैंने डिस्कशन करनी है फॉर हाउ मच टाइम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन को मैंने एड्रेस करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट दैट टाइम। उस टाइम को कैसे कैलकुलेट करें कि कितने टाइम के लिए, मतलब कितने टाइम के लिए हमने जो वर्किंग कैपिटल देनी है उसको कैसे कैलकुलेट करें। दैट मेरे कहने का मतलब है इसमें इजीएस्ट मेथड, व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, थर्ड, हाउ मच एक्यूरेसी आर वी अचीविंग बाय दिस। कितनी एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं हम, इस चीज को हमने समझना है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर की स्टार्टिंग में करना चाहूंगा सेम जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या चीज होती है। बेसिकली फाइनेंस गिवन टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस तो वो हो गया। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसकी करंट एसेट्स के बारे में, करंट लाइबिलिटीज के बारे में, देयर रिलेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में। तो आपको अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है, इससे प्रीवियस वाला वीडियो, तो आप जरूर देखें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। तो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करना है कि फॉर हाउ मच टाइम वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। देन आंसर इज डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। इसका आंसर क्या है, डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज है। इट इज टाइम नीडेड टू कन्वर्ट कैश टू कैश मिनिमम टाइम राइट। तो अब इस ऑपरेटिंग साइकिल को हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको बना के देखते हैं। बेसिकली आज की डेट में आपके पास कैश है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज कैश है। तो उस कैश से आपने मटेरियल परचेज कर लिया, या अदर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं रन करने के लिए बिजनेस, उसके ऊपर अपने खर्च कर दिए, एक्सपेंसेस पे कर दिए। तो कैश चला गया आपसे और ये आपने एक्सपेंसेस पे यहां पे कर दिए, परचेजिंग करके जो पेमेंट करी, उसके बाद आपके पास ये रॉ मटेरियल बन गया। तो उसके बाद रॉ मटेरियल को, क्योंकि आपने अदर एक्सपेंसेस भी पे करे, तो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस मींस कि उसके ऊपर काम चल रहा है,
रॉ मटेरियल के ऊपर काम चल रहा है, अभी आधा अधूरा है। अगर गाड़ी का अगर कोई कंपनी गाड़ी बना रही है तो समझ लो कि गाड़ी का ढांचा तैयार हो गया है, अभी उसकी फिनिशिंग बाकी है, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस होने के बाद वो फिनिश होएगा, फिनिश्ड स्टॉक बनेगा, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होएगा। कि फिनिश्ड गुड्स मीन्स जो रेडी फॉर सेल्स है, जो रेडी फॉर सेल्स है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये माल बिक जाएगा, ये माल बिक जाएगा, ये सेल आउट हो जाएगा। तो जब सेल आउट हो जाएगा उसके बाद इसका क्रेडिट पीरियड शुरू हो जाएगा, सेल्स होने के बाद क्रेडिट पीरियड शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही सेल्स होएगा इसका क्रेडिट पीरियड स्टार्ट रहेगा, क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो क्रेडिट पीरियड होने के बाद ये फिर से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मतलब अपनी पार्टी से वी विल रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। तो हमने हमें हमारे पास जो हमारा कैश था वो वापस कैश में यहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम वापस कन्वर्ट हो जाएगा और हम ये साइकिल फिर दोबारा शुरू कर देंगे। तो ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल, ये है ऑपरेटिंग साइकिल टू कन्वर्ट कैश इनटू कैश, कि आपको कैश टू कैश कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, ये है आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसमें क्या चीज देखने वाली है, आप इस चीज को ध्यान से समझिए, इस चीज को, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज नथिंग बट स्टॉक कैप्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टॉक तीन तरह का होता है ना, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। तो जैसे ही आप कैश कैश से अपना माल खरीदते हैं तो आपको रॉ मटेरियल कुछ दिन के लिए होल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 30 डेज रॉ मटेरियल होल्ड करना पड़ता है। 30 डेज का आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, 30 डेज का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और मिनिमम 30 डेज के लिए आपको माल अपने अंदर फैक्ट्री में बना के रखना पड़ता है। तो 90 दिन ये हो गए। जब आप माल आपका 30 दिन आपके अंदर पड़ा रहता है तो फिर ये बिक जाता है, तो ये सेल आउट हो जाता है, और जिस बंदे को आप सेल करते हैं वो भी आपको 30 डेज के बाद पेमेंट करता है, 30 डेज के बाद पेमेंट करता है। तो यानी कि आपका टोटल, आपको आपको कैश से लेके टोटल ये कितना टाइम वेट करना पड़ा, टोटल 120 डेज के लिए आपको अपना ये कैश जो है इन्वेस्ट करना पड़ा 120 डेज के लिए। फर्दर, जब आप मटेरियल परचेज करते हैं तो आपको कोई पर्सन उधार पे तो माल आपको बेच सकता है ना, आप उधार पे भी तो माल खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल बेचते टाइम आप 30 डेज के बाद पेमेंट करते हो अपने सप्लायर को। तो अगर आपने 120 दिन के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया था तो उसमें से 30 दिन के लिए आपको वही जो लास्ट लेक्चर में मैं वर्ड यूज कर रहा था, सहारा, सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट दे दिया आपके सप्लायर ने, तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या हुआ, 90 डेज का। यानी कि आपको जो वर्किंग कैपिटल, जो पैसा चाहिए वो 90 दिन के लिए ही चाहिए। तो दोस्तों इस चीज में आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, वर्किंग कैपिटल की जो नीड होती है, वर्किंग कैपिटल तो आप समझते ही हो, वर्किंग कैपिटल की जो नीड होती है वो वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए होती है, वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए होती है। आपकी एलिजिबिलिटी कभी भी आप फ्यूचर में जाके, जैसे मैं आपको कैलकुलेशंस करवाऊंगा, तो एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए, जैसे ये एक ऑपरेटिंग साइकिल मैंने बना के दिखाया ना आपको, तो एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए आपको पैसा चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, 90 दिन के लिए पैसा चाहिए। तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल बिजनेस का। तो इस चीज में आगे देखने वाली क्या बात है कि जो ये हम जो ये चीज है जो सॉरी ये चीज है ये जो मैं पहले आपको टिक लगा रहा था, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश्ड गुड्स, दैट इज नथिंग बट द स्टॉक। ये स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक आपको कहां से मिलता है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आइटम है, राइट। उसके बाद सेल्स के बाद ये 30 दिन, ये मैंने देखो कंसीडर कर लिए, ये 30 दिन तो यहां आ गए स्टॉक में। इसको किसी और पेन से लगाते हैं, पिंक वाले से लगाते हैं। ये जो 90 दिन है, ये 90 दिन तो यहां पे आ गए स्टॉक में, जो अलग अलग तरह के स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ये 30 दिन है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
उधार माल जो बेचा, उधार माल को बेचने को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं ना, डेटर्स बोलते हैं। तो ये भी कौन सी आइटम है आपकी, बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम। फर्दर तो आपके 120 डेज तो कवर हो गए, 120 डेज कवर हो गए। तो ये 30 डेज जो है कि आपको 30 डेज का उधार मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये कहां पे दिखाई देते हैं हमें, ये भी बैलेंस शीट आइटम है, करेक्ट। तो ये भी बैलेंस शीट आइटम है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, ऑल द आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैन बी फाउंड इन बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट में मिल जाती है। सेकंड, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो ऑल दीज आइटम्स आर इधर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म सोर्स, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मीन्स करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म सोर्स मीन्स करंट लाइबिलिटीज। यानी कि ये जो सारी आइटम्स है कहां पे मिलेंगी आपको, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के हेड में, करेक्ट बोल रहा हूं ना। तो यही तो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, यही तो मैं पिछले 2-3 लेक्चर से आपको समझाना चाह रहा था कि वर्किंग कैपिटल सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे इंडिपेंडेंट होती है। करंट एसेट्स क्या होती हैं, आपके जो खर्चे खर्चे जो आपने कर दिए हैं, पर पेमेंट नहीं मिली इनकी, इनके अगेंस्ट रियलाइजेशन नहीं आई आपको इन खर्चों के अगेंस्ट, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं आपका सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट मतलब वो खर्चे जिनकी पेमेंट आपको अभी करनी नहीं है, जिनकी पेमेंट नहीं करनी अभी, नहीं करनी अभी। तो दैट आर द करंट लाइबिलिटीज। मैं बार बार वर्ड खर्चे यूज कर रहा हूं ना, तो जो लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया था कंसेप्ट सारा, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये सारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है आपका, आपको आपकी बैलेंस शीट में ही मिल जाता है। तो आपका जो हमने क्वेश्चन पूछा था, फॉर हाउ मच टाइम द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, डिपेंड्स ऑन द वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ द बिजनेस। इट इज रिक्वायर्ड फॉर वन ऑपरेटिंग साइकिल। समझ गए आप इस चीज को, कि जो वर्किंग कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है वो वन ऑपरेटिंग साइकिल के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर हाउ मच टाइम, इसका आंसर है वन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको। हाउ टू कैलकुलेट दैट टाइम, इजिएस्ट मेथड, गो टू द बैलेंस शीट, गो टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाइए, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के हेड में जाइए, उन आइटम्स को देखिए, उस आइटम के हिसाब से आपको अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेशन करनी आ जाएगी उसके ऊपर। बाकी इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशंस तो मैं आगे चल के जो रेशियोस एनालिसिस में बताऊंगा, जिसमें इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड, डेटर टर्नओवर पीरियड, अपना क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड, उसमें आपकी कैलकुलेशंस ये कवर हो जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एक्यूरेसी आर वी अचीविंग बाय दिस। अब देखिए एक चीज आप समझिए पहले, तो एक्यूरेसी का क्वेश्चन आ गया, एक्यूरेसी के क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफरेंट इन एवरी बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, योर साइकिल विल बी ऑन लोअर साइड, रीजन बीइंग आपकी पेरिशेबल गुड्स हैं जो जल्दी खत्म हो जाती हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं। अगर 5-6 दिन का जो लाइफ होती है ब्रेड की, अगर उस दिन में उस टाइम में उसका कुछ ना हुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक पीरियड रहता है इसके अंदर, आप ज्यादा ब्रेड को स्टॉक करके नहीं रख सकते अपने पास, क्योंकि आपको हाथ के हाथ निकालना पड़ता है, मिनिमम डेटर पीरियड होता है। सिमिलरली जहां से आप खरीदते हैं तो मिनिमम क्रेडिटर पीरियड होता है,
मिनिमम क्रेडिटर्स पीरियड होता है कि क्रेडिटर्स को भी पेमेंट जो आप करते हैं अपनी वो आप कम टाइम में पेमेंट कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल हर एक बिजनेस में डिफरेंट होता है। तो अब एक चीज आप देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल में ऑल्सो वेरी इन सीजनल बिजनेसेस। इस चीज को मैं कैसे समझाना चाहता हूं, आपकी बैलेंस शीट है, आपकी बैलेंस शीट है, अब मैं डिटेल बैलेंस शीट नहीं बना रहा, करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं जिसमें क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक है, डेटर्स हैं, ठीक है। आपने इनसे तो अपना साइकिल निकाल लिया, आप क्या कर रहे हैं, यू आर अज्यूमिंग, आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो बैलेंस शीट में फिगर्स आ रही हैं, बैलेंस शीट में जो फिगर्स आ रही हैं, दैट रिप्रेजेंट बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन डिपिक्टिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। जहां पे आपने ये अज्यूम कर लिया वहीं पे आप बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हो। आप बैलेंस शीट के आइटम पे रिलाई कर रहे हो कि बैलेंस शीट देखिए एक पर्टिकुलर डेट पे होती है, ये पूरे पीरियड का हिसाब किताब नहीं बताती, ये सिर्फ आपको 31 मार्च 2021 की पोजीशन बता रही है कि उस दिन इतना स्टॉक है, उस दिन इतने डेटर्स हैं, उस दिन इतने क्रेडिटर्स हैं। आप ये मान के चल रहे हैं कि जो क्लाइंट का बिजनेस है उसमें साल में कोई अप डाउन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। जो बैलेंस शीट में आइटम्स आ रही हैं, ये थ्रू आउट द ईयर सेम है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि किसी भी टाइम बैलेंस शीट आप निकाल के देखेंगे तो उनके स्टॉक डेटर क्रेडिटर्स की फिगर अराउंड इतनी ही नजर आएगी। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो साइकिल है स्टॉक होल्ड करने का, डेटर्स से पेमेंट कलेक्ट करने का, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने का, दैट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। आप बैलेंस शीट से इस चीज को थ्रू आउट द ईयर इस चीज को आप कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, जबकि ये अजम्पशन सरासर गलत है। ये अजम्पशन फॉलो करनी बहुत प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो कभी कभी इंडस्ट्री में मंदा चल रहा होता है तो जो डेटर्स आपको 30 दिन में पेमेंट कर रहे थे वो कई बार 60 दिन में भी पेमेंट करने लग जाते हैं। जो जिनको आप पेमेंट आ गए 45 दिन में कर रहे थे, कई बार आपसे वो पेमेंट अर्ली मांगने लग जाते हैं, कई बार आप उनको 15 दिन में पेमेंट करने लग जाते हैं। कई बार ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। तो अगर ये कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस आया और आपकी बैलेंस शीट में आपने तो 60 डेज के हिसाब से देख लिए, फिर डेटर्स 15 दिन के हिसाब से क्रेडिटर्स देख लिए, आपने तो अज्यूम कर लिया कि भाई उसका तो जो साइकिल है 45 डेज का ही है, असल में उसका साइकिल कुछ और भी हो सकता है। एक्चुअल में साइकिल उसका डेटर्स का 30 डेज और 45 डेज का क्रेडिटर्स का, उसका तो साइकिल है ही नहीं, बेसिकली 15 दिन का नेगेटिव चल रहा है। आप बैलेंस शीट से आप देख रहे हैं कि नहीं भी 45 डेज का साइकिल है, जो कि एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन बता रहा है। हो सकता है कि उसने सारी एंट्रीज ही अपना 30 तारीख को आपको दिखाने के लिए, आपको बुद्धू बनाने के लिए 30 तारीख को पहले ही नॉक ऑफ कर ली हो या पहले ही एडवांस में डाल दी हो ताकि 31 तारीख को आपको पोजीशन कुछ और ही नजर आए। तो इस चीज में इस तरह की एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इशू रहता है सीजनल बिजनेस के अंदर। कई बार कईयों का बिजनेस सर्दियों में होता है, फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन गर्मियों का माल बेचते हैं, जो गर्मी जैसे कोई कपड़ा बनाने का काम है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करता है समर के लिए। अब समर तो शुरू हो जाती है मार्च अप्रैल से। इन लोगों का जो कपड़ा सेल होता है वो जनवरी से इनकी सेल शुरू हो जाती है। जनवरी फरवरी और मार्च में धराधर ये कपड़ा बना बना के बेचते हैं। जब 31 मार्च को इनकी बैलेंस शीट आप देखोगे तो इनकी बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डेटर्स नजर आएंगे, क्योंकि इनको जो पेमेंट मिलती है वो अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त में रिकवर होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गर्मी का माल बेचा है तो ये गर्मियों का माल बेचेंगे होलसेलर्स को, वो बेचेंगे रिटेलर्स को, रिटेलर्स बेचेंगे आपको। आप माल कब खरीदने जाओगे? मई जून जुलाई में, इन महीनों में खरीदने जाओगे? तो आप हाथ के हाथ इनको कैश पेमेंट करोगे तब उन महीनों में, जब गर्मी में आप जो लेने जाओगे माल, जब आप इनको कैश दोगे, ये इनको कैश देंगे तो फिर ये मैन्युफैक्चरर को कैश देंगे, तो इनको पेमेंट्स आती हैं तब।
तो जब आप अप्रैल जून जुलाई अगस्त में देखोगे तो उनका डेटर साइकिल बहुत ही नीचे गया होता है, राइट। तो सीजनल बिजनेस के अंदर भी ये अजम्पशन आपकी इनएक्यूरेट हो जाती है वर्किंग कैपिटल साइकिल की। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या करें, इस चीज का सोल्यूशन क्या करें वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालने का? तो इस चीज का सोल्यूशन ये है कि डोंट रिलाई ऑन द फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट अलोन, फिगर ऑफ बैलेंस शीट अलोन, ठीक है। टेक द डिटेल्स फॉर लास्ट 6 मंथ्स। ये हम मैं भी जब अपने असेसमेंट करता हूं अपने बैंक के अंदर, तो मैं लास्ट 6 मंथ्स की डिटेल्स लेता हूं, जिसको जिसमें से वो क्लाइंट हमें मुझे मंथ वाइज सेल्स, परचेज, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की फिगर बताता है, एटलीस्ट 6 महीने। अगर आपको कंफर्टेबल है ज्यादा लेने का तो आप 12 महीने के भी ले सकते हैं। तो 6 महीने की सेल, परचेज एंड स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स की फिगर मैं लेता हूं, तो उससे मैं स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ईच मंथ का साइकिल कंप्यूट करता हूँ, ईच मंथ साइकिल कंप्यूट करता हूँ सिमिलरली इनका। तो फिर उनकी हर महीने का वर्किंग कैपिटल साइकिल एडजस्ट करता हूँ हर महीने का। जैसे उनका मैंने फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर से लेके मार्च तक का डाटा ले लिया, अक्टूबर से मार्च तक का डाटा ले लिया, और हर महीने का मैंने वर्किंग कैपिटल साइकिल उनका एडजस्ट करा, और जो फिर उनकी एक सिंपल एवरेज लगा दी अक्टूबर से मार्च तक का, यानी कि टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल जो 6 महीने का बना, मान लो मेरा वो मान लो मेरा बना 600 दिन का, टोटल साइकिल 600 दिन का बना, तो 6 मंथ्स का एडजस्ट किया, तो मैंने उसकी एक एवरेज निकाल दी कि 100 डेज का उसका एवरेज साइकिल है। इसमें थोड़ी बहुत एक्यूरेसी ज्यादा आ जाती है। अगर आपका सीजनल बिजनेस है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप 12 मंथ्स का डाटा लेके एडजस्ट करें, 12 मंथ्स का डाटा लेके एडजस्ट करें, ताकि आपको पता लग जाए कि हर महीने के एंड में उसका स्टॉक क्या मूव कर रहा है, डेटर्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्रेडिटर्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो इस चीज के बारे में सिंपल बैलेंस शीट पे रिलाई करके चलना 31 मार्च की पोजीशन को, और अपने आप क्लाइंट से बहस करने लग जाना कि सर आपका तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जी इतना ही बन रहा है, और क्लाइंट आपको समझाता रहे कि भाई लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो, बैलेंस शीट आपकी सिर्फ 31 मार्च की पोजीशन बता रही है, पर एक्चुअल में मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ डिफरेंट है, 31 मार्च को एक्सेप्शनली मेरा इस तरह से बिजनेस हो गया था, तो इस तरह से आपको साइकिल नजर आ रहा है। तो सेकेंडली कई बार इस तरह की चीजें भी होती हैं कि क्लाइंट के बिजनेसिस में एंट्रीज नॉक ऑफ नहीं करी होती, एंट्रीज बैलेंस शीट की बुक्स में सिर्फ सिर्फ बुक बुक एंट्री खड़ी होती है, वो बुक एंट्री खड़ी होती है, वो बुक एंट्री क्या होती है, बेसिकली कैश में सेटलमेंट हो चुकी होती है, कैश में सेटलमेंट एजेंसीज की, लोगों की आपस में सेटलमेंट हो चुकी होती है, बट बुक्स में कहने का मतलब है पक्के में सेटलमेंट्स नहीं हो रखी। तो उसकी वजह से भी कई बार आपको डेटर्स क्रेडिटर्स स्टॉक के लेवल्स आपको डिफरेंट ही नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी से, मिस्टर ए से मैंने 10 लाख रुपए लेने हैं, मैंने 10 लाख रुपए लेने हैं मिस्टर ए से, तो मेरी बुक्स में डेटर खड़ा है 10 लाख रुपए का। अब मिस्टर ए के पास कुछ कच्चे के पैसे थे, उसने मेरे को कैश दे दिया, तो अंदर से तो मेरा खाता नील हो गया ना, क्योंकि उसने मेरे को पक्के की पेमेंट नहीं करी, तो पर बुक्स में उसकी नाम और एंट्री खड़ी रह गई यहाँ पे 10 लाख की, तो मेरे 10 लाख के डेटर्स तो इन्फ्लेटेड है ना, 10 लाख के डेटर्स तो इन्फ्लेटेड है ना। तो ये चीज कई बार होती है बुक्स के अंदर, बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये दो तरह की बुक्स मेंटेन करते हैं सारे, कच्चे की पक्के की, तो इस वजह से काफी प्रॉब्लम आती है कई बार हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करते रहे। तो खैर ये चीज तो एक्सपीरियंस के साथ आपको कम समझ में आएगी कि कैसे कवर करनी है। जो मेरा मेन मोटिव था समझाने का आपको, वो मोटिव था कि एक तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको समझ में लगेगी कि वो क्या चीज है वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं, वो सिंपल तरीका कि हम बैलेंस शीट से कंप्यूट करते हैं, और थर्ड मैंने उसको आपकी डिसएडवांटेजेस बताई हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है 6 महीने 12 महीने वाला, ये मैं तो चलो फॉलो करता हूँ अपने बैंक में, पर ये हर एक बैंक फॉलो नहीं करता, हर एक बैंक फॉलो नहीं करता, वो बैलेंस शीट के ऊपर ही रिलाई करके चलता है, तो कई बार इसकी वजह से काफी इनएक्यूरेट रिजल्ट उनको करने को मिलते हैं अपने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में। पर खैर जब आप वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट किसी क्लाइंट की करिएगा, आई होप कि आप इसकी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल एडजस्टमेंट करेंगे। सो बाकी तो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रमोटर्स मार्जिन एंड ऑपरेटिंग बैलेंस शीट का एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो
तो अगेन वही कि जो ये मैं आपके कॉन्सेप्ट से डेवलप कर रहा हूँ, ये फाइनल इसका ऑब्जेक्टिव है आपको एमपीपीएफ नॉर्म्स तक लेके जाना कि एमपीपीएफ नॉर्म्स आपको समझ लगे। तो आप इन चीजों को लगातार समझिए, इनके नोट्स बनाइए, अपने पास नोटिंग करके रखिए ताकि आपको इन चीजों में आगे चल के कभी भी दिक्कत ना आए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।